रेस्टन अटेंशन चले प्रे पोजीशन प्रे स्टार्ट 1 2 3 ओ गॉड वी थैंक लीप ऑन डिनाइड एंड फॉर रिप्रेजेंट मॉर्निंग लाइट फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लिविंग हियर एंड ऑल दैट मेक्स गवर्न सोफियर हेल्प अस टू डू नथिंग वी शुड टू बी टू अदर काइंड एंड गुड इन ऑल वी डू इन ऑल बी से टू ग्रो मोर लिविंग एवरी डे माइक था भी बहुत दूर था आवाज नहीं आ रही थी चले राष्ट्रगान एक लय में एक साथ तेज आवाज में और पूरा बोलेंगे स्टार्ट 1 2 3 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वांग बिंद हिमाचल यमुना गंगा उजल जलद तरंग तब शुभ नामी जागे तब शुभ आस से मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे प्लेज पोजिशन स्टार्ट 1 2 3 इंडिया इज माय कंट्री ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वाइड हेरिटेज आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्थी ऑफ इट आई शैल गिव माय पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स रिस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरीवन विद कर्टेसी टू माय कंट्री एंड माय पीपल आई प्लेज माय डिवोशन इन देयर वेलबीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाइक माय हैप्पीनेस चले सभी नॉमिनेट बच्चे आ जाएं क्लास फिफ्थ बॉयज क्लास फिफ्थ के बॉयज पर्चा तो मैम शाहजी अरुण अयान उवैस और असद ये सारे बच्चे मंच पर आ जाएं गायब हो गए आज बरसात से गायब हो गए चलिए आप आ जाइए बेटे क्वेश्चन लायो और हिंदी में थॉट ऑफ टुडे चलिए जोर से पहले अपना इंट्रोडक्शन दो पहले माय नेम इज उवैस माय नेम इज उवैस माय फादर नेम इज गुन्नेखा माय मदर नेम इज सीमा भी माय नेम इज फौजी मनुष्य जैसे सोचता है वैसे नजर आता है बहुत सुंदर इनका विचार था मनुष्य जैसा सोचता है उसे वैसे ही नजर आता है बहुत ही सुंदर विचार माय नेम इज अरुण आई रीड इन क्लास 5th जोर से बोलना हेल्थ इज वेल्थ देखो इनका आज का थॉट है हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन है अरे वास्तव में ठीक बात है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है बाकी बच्चे आज लग रहा है बरसात की वजह से नहीं आ पाए हैं कोई बात नहीं लेकिन जो बच्चे नॉमिनेट किए जाएँ वो ध्यान रखें किसी भी हालत में उनकी अपसेंट नहीं होनी चाहिए समझ गए बच्चों आइंदा से जो अपसेंट होगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी इस बात की है? अब देखिए प्यारे बच्चों इस सत्र की जो पढ़ाई का जो दिन है आज लगभग चौथा पांचवा दिन है और चौथा दिन है आज लेकिन आज बरसात के कारण कुछ संख्या कम हो गई है कोई बात नहीं आपकी पढ़ाई का जो जज्बा है पढ़ाई का जो जुनून है वैसे ही जैसे कि रोज़ होता है उससे भी ज़्यादा तेज हम लोग कराते रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा मन से और ज़्यादा जुझारूपन से आपको पढ़ाएंगे और प्यारे बच्चों आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं बहुत अच्छा नसीब आपका जो आप RP पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं जहाँ पर आपको बोलने के लिए इतना बड़ा मंच ये सब सिस्टम आपके लिए लगाया गया है जिससे कि आपको दुनिया देखे आप YouTube पर जा रहे हैं समाज आपको देख रहा है दुनिया देख रही है देश विदेश में लोग आपको देख रहे हैं
ऐसी सुविधाएं हर जगह बच्चों नहीं मिलती हैं बच्चों के लिए, तो आपको बार बार हमारे सर के लिए, माननीय राज्य सर के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आपने आप लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। और कितने बड़े बड़े हमारे विद्यालय में बोर्ड हैं, ब्लैक बोर्ड हैं कि जो टीचर हैं पूरे आधे घंटे लगातार पढ़ाएंगे तब भी बोर्ड कम पड़ जाता है, बोर्ड मतलब भरता नहीं है। इतने बड़े बड़े बोर्ड, बढ़िया सा फर्नीचर, कहीं कहीं तो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बैठने की दिक्कत हो जाती है, सीटें कम पड़ जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, भरपूर फर्नीचर है, बहुत बढ़िया सनमाइका वाला फर्नीचर है। समझ रहे प्यारे बच्चों, बड़े बड़े कमरे हैं, हवादार कमरे हैं, और अब तो पंखे भी लग गए। अभी दो साल पहले पंखों की दिक्कत थी हमारे यहाँ, अब लाइट की सुविधा भी हो गई, पंखे लग गए। और सबसे बड़ी बात है कि प्यारे बच्चों, आप लोग जितने स्कूल की फीस दे रहे हैं उसी फीस में आपको कंप्यूटर भी सीखने को मिल रहा है, कितनी खुशी की बात है, इससे बढ़कर और क्या होगा। और आप देखते हो एक से एक काबिल, एक से एक टैलेंटेड टीचर आपको यहाँ पढ़ाने आते हैं, और क्षेत्र के नहीं, दूर दूर से आपको पढ़ाने आते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको अच्छी शिक्षा दी जा सके, आपको अच्छा ज्ञान दिया जा सके। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छी जगह पर पहुँच गए हैं। और देखो, जो बेचारे कहीं ना कहीं भटके हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से खिसक लिए हैं, कहने का मतलब कुछ अच्छा ना लगा हो सकता है कुछ भी, लेकिन वो पछता रहे हैं, अब आज के दिनों में पछतावा हो रहा है और फिर लौट के अपने यहाँ आ रहे हैं। लेकिन खैर, एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को और घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, वो भी हमारे लिए स्वागत के योग्य हैं जो चले गए वापस आ गए, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। बच्चों, ये कोई गलती नहीं होती है, चले गए तो वापस आ गए बहुत अच्छी बात है, उनका भी भविष्य सुधरेगा। और प्यारे बच्चों देखो, आप लोग तो अच्छी पढ़ाई यहाँ प्राप्त कर ही रहे हो, अच्छा अच्छा सीख रहे हो, लेकिन आप लोगों से मेरा एक कहना है कि कम से कम आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने आसपास गली मोहल्ले में, अपने गांव में जो और बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ने नहीं जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, किसी वजह से उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, तो प्यारे बच्चों आप लोग उनको ये सूचित करें, ये इतला दें, अपने विद्यालय के बारे में बताएं, यहाँ के टीचर्स के बारे में बताएं, यहाँ की लैब के बारे में बताएं, और उनको भी यहाँ एडमिशन लेने के लिए थोड़ा मोटिवेट करें, जिससे कि उनको भी अच्छी शिक्षा मिल सके, वो भी पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसी आप लोगों से अपेक्षाएँ हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छा, आप में से कितने बच्चे अपने क्षेत्र में, अपने गली मोहल्ले में, अपने विद्यालय बारे में जाकर बताएंगे? हाथ पर करो जरा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने हाथ पर किए हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आप लोग को कम से कम एक एक बच्चे को, 10 बच्चों को जाके बताना है स्कूल के बारे में। आज देखो मीनाक्षी भी आई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन बाद आई हैं, बहुत प्यारी बच्ची है ये। अब मैं इसी श्रृंखला में देखो, हमारे भी जैसा कि कल राहुल सर ने कहा था कि आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी समय से बच्चों को एक शिकायत रहती थी कि सर केमिस्ट्री के टीचर हमें अलग से चाहिए, सर केमिस्ट्री के अलग से चाहिए, मैथ के चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, वो शिकायत भी आज आपकी दूर हो गई है। जैसा कि कल बताया था कि आपके बीच बहुत ही मेहनती और बहुत ही काबिल टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आएंगे, तो आज वो हमारे इंतज़ार की जो घड़ी है ख़त्म हो चुकी है और हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं माननीय प्रशांत कुमार सर। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और बच्चों को कुछ संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे सर की बातें। थोड़ा ऊंचा कर दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने अभी बताया, मेरा नाम प्रशांत कुमार है, MSc बीएड, TET, CTET सारा कुछ क्लियर हो चुका है, बस कुछ ही प्रॉब्लम्स की वजह से, थोड़ा सा 0.5 मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन होने से रह गया है ना। जो 0.5 मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती रही होगी, जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन होते होते रह गया, कहीं ना कहीं तो गलती की होगी। बिल्कुल सर, है ना।
क्या होता है, जैसा सर ने अभी अभी कहा, एक बच्चा आया था जिसने वो थॉट ऑफ टुडे एज माइंड एज फाइंड, व्यक्ति जैसा सोचता है उसको वैसी नज़र आता है, जिसकी जैसी नज़र होती है उसको वैसा ही नज़र आता है, है ना। मेरी भी नज़र ऐसी रही कि जो जो मैंने पढ़ा है वो मुझे सब कुछ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई और मैं पीछे रह गया, सिर्फ 0.5 मार्क्स, 0.5 एक मार्क्स होता है उसका भी आधा। इससे पहले मैं टीचिंग करता था शाहजहाँपुर में, एक कॉलेज है जैन बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, एडेड था गवर्नमेंट, उसमें टीचिंग करता था, लेकिन कुछ रीजन, फैमिली रीजन की वजह से मैं मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा, और वहाँ पर वो क्षेत्र था इतना ज़्यादा पिछड़ा है, आपका क्षेत्र तब भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, वो क्षेत्र इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि जो बच्चे इंटर में आ गए हैं वहाँ उनको इमला लिखना नहीं आ रहा, अपना नाम लिखना नहीं आता है, इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। वहाँ की स्थिति देखते हुए मैं, मेरी वाइफ वहाँ पर पोस्टेड है, मैं वहाँ पर गया, वहाँ की स्थिति जब मैंने देखी तो थोड़ा उनको बेस से लेके चला, एक मूवी थी तारे जमी पर, शायद आप लोगों ने देखी हो, उसमें यही दिखाया गया कि बेस जो होता है वो अगर हमारा क्लियर है तो सब आगे क्लियर हो जाता है, सफलता है वो एकदम से नहीं मिल जाती, उसके लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। सीढ़ी से मैं अभी अभी ऊपर आया तो सबसे पहले एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, एकदम से कोई नहीं जाता, पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस तरह से जाना होता है। आपका क्षेत्र काफ़ी विकसित है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अच्छी से अच्छे आपको जो सुविधाएं हैं वो दे सकूं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आरपी पब्लिक स्कूल का। थैंक यू, बहुत ही अच्छी बात है, सर ने आपको अभी बताई और अपने अनुभव के बारे में बताया। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग का बहुत ही अच्छा नसीब है कि आपको इतने इतने काबिल, इतने इतने जुझारू और कर्मठ जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। आपको बार बार आरपी पब्लिक स्कूल के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और अब तो प्यारे बच्चों, अपना विद्यालय इंग्लिश मीडियम हो गया है, अब छोटे बच्चों की किताबें सिर्फ इंग्लिश मीडियम की हैं, NCKG फर्स्ट, ऐसे अगले साल और हम क्लास बढ़ाएंगे, फिर और क्लास बढ़ाएंगे, आने वाले टाइम में पूरा विद्यालय टोटली कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, और इसी हिसाब से आपको यहाँ पर फैकल्टी, सुविधाएँ, सब कुछ उपलब्ध इंग्लिश मीडियम के हिसाब से होती रहेंगी। बस केवल आप लोग का हमें कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, तभी आपका भला हो सकता है, आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है और आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से विकास हो सकता है। तो इसके लिए आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, आपको नियमित आना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, तभी आप कुछ कर पाने में समर्थ हो पाएंगे बच्चों। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, छुट्टी बिल्कुल नहीं करेंगे, जो बच्चे रोज़ आते हैं उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने ज्ञान में वो प्लस रहते हैं, आगे रहते हैं, और जो बच्चे एक दिन आए दो दिन गोल हो गए, एक दिन आए चार दिन गोल हो गए, चार दिन आए फिर एक हफ्ते गोल हो गए, उनकी उनके जो ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी है, और जो नए बच्चे आ रहे हैं सब बच्चों ने किताबें ले ली होंगी, अगर किसी ने नहीं भी ली हैं तो सारे बच्चे अपनी बुक्स ले लें जल्दी जल्दी, जिससे आपका भी साथ साथ सिलेबस हो सके, आपका भी पढ़ाई में अच्छे से मन लग सके, क्योंकि बुक्स होती हैं तो घर पे भी मन पढ़ने का करता है, नई नई किताबें होती हैं, तो किताबें नहीं होती तो कहीं ना कहीं बच्चे का मन पढ़ाई में कम लगता है, इसलिए सारे बच्चे बुक्स ले लेंगे। अच्छा, आज कोई बच्चा चुटकुला या कविता सुनाने नहीं आया, छोटा बच्चा कोई है मैम, कोई भाद्र बच्चा है? अच्छा, वो आइए मीनाक्षी राजपूत, बहुत छोटी वाली नहीं है, आई नहीं आज, देखिए बहुत बढ़िया आवाज़ है, कोकिला की आवाज़ है उसकी, आई है, अरे वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, देखिए बच्ची बिल्कुल तारीफ के काबिल है और बहुत ही सुंदर ये पोएम सुनाती है तेज आवाज़ में, बिना माइक के रूपर तक आवाज़ जाएगी। अभी आप देखना, थोड़ा और नीचा करें, बच्ची की लंबाई बहुत कम है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें
तान तान के बड़ा कर देंगे। अच्छा जोर से बोलना, अपना पहले इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज मीनाक्षी। शाबाश। पिंकी क्या करती हो छोरो, फूलों को बेकार न तो, रोएंगे मुरझा जाएंगे कभी भी काम नहीं आएंगे, ए भी तुम जैसे प्यारे हो माखी आंखों के तारे, अच्छे लगते हंसते गाते अपनी लाल पर रात। बहुत सुंदर। देखो लास्ट वाली लाइन में इनकी बैटरी डाउन हो गई। वैसे बहुत बढ़िया इन्होंने सुनाया। तो इस कविता में एक संदेश भी है कि बच्चे फूल की तरह होते हैं, है ना, जो डाली पर शोभा देते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल के आंगन में, घर के आंगन में खेलते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए शोभा देते हैं, है कि नहीं। इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए बच्चों को, बेफालतू या बेवजह डांटना फटकारना नहीं चाहिए, थोड़ी आज़ादी भी देनी चाहिए बच्चों के लिए, तभी उनका विकास भली भांति हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, जो आज बातें बताई गई हैं इससे बच्चे इनका ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि मैं रोज़ बताता हूँ, कल भी मैंने बताया था, अपने विद्यालय के चैनल हैं 3, जिसमें 2 इस समय चालू हैं, 1 आने वाले समय में चालू होगा। तो कितने बच्चों ने कल देखा, कल वाली वीडियो कितने बच्चों ने देखी? नहीं देखी? देखी, शाबाश। अच्छा कितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया अभी तक चैनल? बहुत बढ़िया, नहीं किया तो कर लेना। देखो चैनल के नाम आपको पता, मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ। हमारा पहला चैनल है RP पब्लिक स्कूल जोगीठेर, RP पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिवंज बरेली, और दूसरा है इंग्लिश भाई राजू प्रजापति सर। तो RP पब्लिक स्कूल वाला जो चैनल है उस पर आपको स्कूल की वीडियोज़ मिलेंगी, आपके क्लास की वीडियो मिलेंगी, इस मंच की वीडियो मिलेंगी, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया लैब में पढ़ाया जा रहा है उसकी वीडियोज़ मिलेंगी। और तो दूसरा चैनल है इंग्लिश भाई राजू प्रजापति, उस चैनल पर आपको कम्पिटेटिव लेवल की इंग्लिश मिलेगी, यानी कि ऊंचे लेवल की इंग्लिश सीखने को मिलेगी, TGT PGT SSC वगैरह CGL वगैरह इन सब की इंग्लिश सीखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों समझ रहे हो, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, उनको आप घर पर भी पढ़ सकते हो देख के, जिससे आपका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ जाए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो कल से सारे बच्चे ये सब देख लेंगे घर पर जाके अपने मोबाइल में, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह रोज़ स्कूल आएंगे, छुट्टी बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने टीचर का सम्मान करेंगे और अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, नियमित आएंगे, समय से आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।